गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अकेडमी 24x7 के इस सेशन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आज है 1 जनवरी 2020। आज से हम एक नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और एक हम नई शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, करंट अफेयर्स का ये सेशन। वीडियो देखते समय आपके मन में कोई डाउट या कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? हमारे जो वर्तमान के आर्मी चीफ हैं जनरल बिपिन रावत, उन्हीं को नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब ये आर्मी चीफ रिटायर हो रहे हैं आर्मी चीफ के पद से, अब ये CDS बन जाएंगे यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाएंगे और इनका स्थान लेंगे मनोज मुकुंद नरवाने। यानी कि अब हमारे जो आर्मी चीफ होंगे वो कौन होंगे? मनोज मुकुंद नरवाने होंगे। अच्छा, अब आर्मी चीफ को हमने जान लिया तो बात कर लेते हैं नेवी चीफ की और एयरफोर्स चीफ की। तो आपके जो नेवी चीफ हैं वो हैं करमबीर सिंह और जो आपके एयरफोर्स चीफ हैं वो हैं RKS भदौरिया। तो याद रखें, पूछा जा सकता है आर्मी चीफ हो गए आपके मनोज मुकुंद नरवाने, CDS हो गए आपके विपिन रावत, नेवी चीफ हो गए आपके करमबीर सिंह और आपके एयरफोर्स चीफ हो गए RKS भदौरिया। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। चलिए, और एयरफोर्स वाले अगर जो लोग तैयारी करते हैं और वो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो किसने ली है? अजीत पवार ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हालांकि ये इससे पहले भी 3 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के। आपके कब कब रह चुके हैं? 2010 में, 2012 में और 2019 में। यानी कि ये इस बार चौथी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, उप मुख्यमंत्री जान लिया हमने, अब जान लेते हैं आके मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में बने हैं कौन? उद्धव ठाकरे, जो आपका ऑप्शन डी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल जरूर से याद रखें क्योंकि ये राज्यपाल बहुत पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है, यानी कि रन थ्रू फाइल सिस्टम की शुरुआत की है? ऐसा किस राज्य सरकार ने किया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने किया, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाया जाए, उनमें जो भी पेंडिंग काम पड़ा है उनको निपटाया जाए एवं विभिन्न जो विभागीय कार्य हैं, डिपार्टमेंटल वर्क्स हैं, उनको भी तीव्रता लाई जाए उनमें और जल्दी से जल्दी इनको किया जाए। अच्छा, मैं आपको इस कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड फैक्ट क्यों बताता हूँ? क्योंकि मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है और सीधे फैक्ट सीधे एक ऑप्शन देता है उसमें, तब तो आपके लिए इजी है, आप कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। और अगर वही मान लीजिए अगर दो कथन दे दिए और उनमें से आपको चूज करने को बोला कि इनमें बताइए कौन से कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है या फिर दोनों सही है, तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन के साथ साथ फैक्ट के साथ एक एक बिल्कुल तथ्य के साथ साथ और भी जो उससे इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जानकारियाँ, उनको भी नोट करते चलिए या फिर ध्यान से सुनते हुए चलिए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी से हो, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पीटर सिडल हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 67 टेस्ट मैच में 221 विकेट, कितने? 67 मैचों में 221 विकेट इन्होंने लिए हैं। इन्होंने अपने इंटरनेशनल कैरियर की शुरुआत कब की थी? 2008 में की थी और भारत के खिलाफ ही की थी। कब की थी? 2008 में की थी और भारत के खिलाफ की थी। तो इन्होंने संन्यास ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में, तो आपको ICC के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ICC का मुख्यालय कहाँ है?
दुबई में है। इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर है। और सीईओ कौन है? मनु साहनी। याद रखें, भूल सकता है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा महाजन आयोग किससे संबंधित है? तो महाजन आयोग आपका सीमा विवाद से संबंधित है। अच्छा, सीमा विवाद से संबंधित है तो किस किस राज्य के बीच सीमा विवाद के लिए ये आयोग बनाया गया? महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद है। किस के लिए सीमा विवाद है? तो एक बेलगाम एक गांव पड़ता है, उसको लेकर के दोनों के बीच में सीमा विवाद है। कर्नाटक बोलता है कि हमारी तरफ है और महाराष्ट्र बोलता है कि हमारी तरफ। लेकिन हालांकि जब ये महाजन आयोग बनाया गया, गठित किया गया, तो महाजन आयोग ने अपना निर्णय दिया कि जो आपका बेलगाम गाँव है वो कर्नाटक के ही हिस्से में है। लेकिन महाराष्ट्र इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और हमेशा अपनी दावेदारी करता है। तो याद रखें, महाजन आयोग का संबंध महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य सीमा विवाद से है। महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर हमने ऊपर दूसरे क्वेश्चन के तहत जान लिए। अब कर्नाटक के हम यहाँ पर सीएम और गवर्नर देख लेते हैं। तो कर्नाटक के वर्तमान में सीएम कौन है? बीएस येदुरप्पा हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है आपके? वजूभाई वाला। वजूभाई वाला यहाँ के आपके गवर्नर हैं, याद रखें, पूछ सकता है। छठा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कृष्णामाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, ए व बी दोनों। जो आपके कृष्णामाचारी श्रीकांत हैं, जो आपका इंडिया ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, ये उस वर्ल्ड विनिंग टीम के ये सदस्य थे। और आपकी जो अंजुम चोपड़ा कौन है? ये आपकी पूर्व महिला टीम की कप्तान रह चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पर सी के नायडू का बात आई है, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आया है, तो ये आखिरकार सी के नायडू कौन है? सी के नायडू फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम ऑफ टेस्ट। जी हाँ, ये पहले कप्तान हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के। किसके? इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के पहले कप्तान, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है? तो ये ऐसा करने वाली ये पहली विधानसभा, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ऐसा करने वाला ये पहला राज्य कौन है? केरल। सीएए का मतलब क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम या फिर कानून। तो उसके खिलाफ केरल ने ये प्रस्ताव पारित किया है। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं आपके पिनरई विजयन। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और सीएम है पिनरई विजयन। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रही नॉर्ड स्ट्रीम टू, नाम जरूर से याद रखें, नॉर्ड स्ट्रीम टू गैस पाइपलाइन परियोजना किन दो देशों के बीच शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपकी जर्मनी और रूस के मध्य। किसके मध्य? जर्मनी और रूस के मध्य। इससे क्या होगा? इससे दोनों देशों के बीच जो आपकी प्राकृतिक गैस है उसकी आपूर्ति करी जाएगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि रूस द्वारा जर्मनी को प्राकृतिक गैस सप्लाई की जाएगी। किसके द्वारा? रूस के द्वारा जर्मनी को प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाएगी। इस पूरी जो गैस पाइप की लंबाई वो कितनी है? 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर है। अच्छा, वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट आता है, कोई सवाल आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। या फिर आपके पास कोई सुझाव है तो वही आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। नवा है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? हालांकि ये बहुत ईजी अब क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसका हम बार बार इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो किसको दिया गया है? अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019। अच्छा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में की गई थी। और इसी वर्ष अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। तो अगर देखा जाए तो इस पुरस्कार के भी 50 साल पूरे हो गए हैं और अमिताभ बच्चन की भी फिल्मी जगत में 50 साल पूरे हो गए हैं। अगर बात की जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली बार किसको दिया गया था? तो देविका रानी जी को दिया गया था सबसे पहले। तो याद रखें, ये भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आज का 10वां क्वेश्चन लेते हैं।
हाल ही में सीआरपीएफ के नए मुख्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया, यानी कि सीआरपीएफ का नया हेडक्वार्टर उसका शिलान्यास कहाँ किया गया। तो इसका शिलान्यास नई दिल्ली में किया गया, किसके द्वारा, गृह मंत्री हमारे जो हैं इस समय अमित शाह, उनके द्वारा किया गया है सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए मुख्यालय का शिलान्यास। अच्छा, जो आपका सीआरपीएफ है इसके आपके प्रमुख कौन हैं, इसके जो हेड हैं वो हैं राजीव राय भटनागर। कौन है? राजीव राय भटनागर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में ही है। ये तो बात रही सीआरपीएफ की। अगर बात की जाए आपके सीबीआई के चीफ कौन हैं, तो आपके सीबीआई के चीफ हैं ऋषि कुमार शुक्ला। आईबी चीफ कौन है? आपके आईबी के चीफ हैं आपके अरविंद कुमार। आपके इसरो के चीफ कौन है? इसरो के चीफ हैं आपके के सिवान। और डीआरडीओ के चीफ कौन है? आपके डीआरडीओ के चीफ हैं जी सतीश रेड्डी। तो इन चीफ के बारे में याद भी रखें, इन जो प्रमुख संस्थान उनके प्रमुखों के बारे में भी याद रखें, आपसे किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, कल मैंने जो करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए अपलोड किया था, यानी कि जो आप आज आपको सुबह मिला होगा, उसमें वॉइस नहीं आई, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसमें कुछ ग्लिच आ गया, कोई बग आ गया वीडियो में, तो आपको साउंड नहीं मिल पाई, उसके लिए थोड़ा सा खेद है। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से इसको बताएं। चलिए, आप कल के सवाल का जवाब ले लेते हैं। तो कल का सवाल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है, तो की गई है या फिर खोली जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में इसको खोला जाएगा। चलिए, अब ले लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज आपको बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको जो भी सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। आपके मन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।